खबर इस बीच आ रही है, अहम खबर है ये, बस आपकी स्क्रीन पे। हरियाणा काडर की आईएएस रानी नागर पर आरोप है, अतिरिक्त प्रमुख सचिव पर गंभीर आरोप लगाया है इन्होंने। सुनील गुलाटी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव हैं सुनील। रानी नागर भी पशुपालन विभाग में ही है। अतिरिक्त सचिव पद पर तैनात है रानी नागर। बड़ी खबर है इस बीच, गाजियाबाद आवास पर बस अब से थोड़ी देर में ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि सुरक्षित कौन है। हरियाणा काडर की आईएएस रानी नागर का ये गंभीर आरोप है। सुनील कुमार गुलाटी जी मुझसे ये कहते हैं, फाइल सही हो या गलत हो, आप इस पे सिर्फ दस्तखत करी है, आप ये मत लिखिए फाइल में कुछ गलत हो रहा है। मैं ईमानदारी से काम करूंगी, जब तक मेरी सांस है ईमानदारी से अपने देश की सेवा करूंगी। कौन शोषण भी है और मेरी ईमानदारी भी उनकी समस्या है। भाई जान को खतरा मेरी तारीख को अम्बाला से है। जब कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सामने बैठ के मेरे से अभद्र इशारे किए और मैंने उसकी बात नहीं मानी, उसके पास चल के नहीं गई, तो उसी दिन से अम्बाला में मेरे पीछे गुंडे घूमने लग गए थे। उस दिन से जान का हमला लिए घूम रही हूँ। जिस दिन से मेरे ऑफिस के ड्राइवर मेरी गाड़ी में बैठकर और मास्टर बेट करने लग गए थे, जान का खतरा उस दिन से लेकर घूम रही हूँ। लोकेश राय हमारे साथ जुड़े हैं, बस अब से थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम जानकारी देंगी। रानी नागर पहले ये हरियाणा में थी, वहां भी उनकी मुसीबत थी, कह रही कि कमिश्नर असली हरकतें करते थे, और यहाँ क्या मामला है लोकेश, गाजियाबाद में? देखिए राहुल, ये हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं 2014 बैच की, और वहां पर ये पशुपालन विभाग के अंदर अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं। और इनका आरोप है फिलहाल कि 6 जून को इनके ही सीनियर ऑफिसर जो कि अतिरिक्त प्रमुख सचिव हैं सुनील कुमार गुलाटी, उन्होंने इनके साथ जो है शारीरिक शोषण किया इनका और इनका यौन शोषण किया, और इससे लिखित इन्होंने एक शिकायत पुलिस को भी दी है, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उस पर शेयर किया है। और लगातार पिछले 3 साल से हरियाणा कैडर में एक महिला आईएएस के साथ में इस तरीके के शोषण का आरोप लग रहा है, और इनकी शिकायत ये है कि कोई भी कार्रवाई, कुछ कार्रवाइयां तो हालांकि इनकी अंडर ट्रायल है कोर्ट के अंदर, लेकिन इसके अलावा सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई ऐसे अफसरों के खिलाफ नहीं होती है जी। और ये जहां भी जांच की मांग करती है अपनी शिकायत लेकर जाती है, वो उन पर भी आरोप लग रहा है, ये भी कह रही थोड़ी देर पहले, एक कमिश्नर की बात भी कह रही है। ये बिल्कुल पहली घटना इन्होंने ये बताया है कि कमिश्नर ने इनके साथ जो है वो हरकत की थी, इनको इशारे किए थे, और इसी शिकायत के बाद से एक लगातार दौर चल रहा है इनको परेशान करने का। और इसकी इनके पीछे इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका कहना है कि जब भी ये ईमानदारी से काम करती हैं और इनको कहीं भी कोई नोटिंग किसी फाइल पर करती हैं तो इनके ऊपर एक दबाव होता है कि ईमानदारी से काम करने की वजह से जो अफसर हैं वो लोग ऊपर घालमेल नहीं कर पाते, और इसी वजह से इनको परेशान करते हैं ताकि ये लोग अपने पद को छोड़ दें, और लगातार इनको पर दबाव। लेकिन उन्होंने साफ किया है कि वो आईएएस पद को छोड़ने वाली नहीं है, और वो कानूनी कार्रवाई इन सभी जो अफसर हैं जो इस तरीके के शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को जारी रखेंगे। राहुल शुक्रिया लोकेश इस जानकारी के लिए आपका। नजर होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो आपको दिखाएंगे भी। तो यहाँ पर सुनील गुलाटी पर जो कि इन्हीं के सीनियर ऑफिसर, उन पर आरोप लगाया है। इधर नोएडा प्राधिकरण में एक